अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने लेट्स से खुदा न खास्ता आईपी कंप्लेंट आपके पास आ चुकी है, ठीक है, किसी ब्रांड ओनर ने कंप्लेंट कर दी आपकी सेलर लिस्टिंग पे जाकर और कहा जी ये जो भी एक्स वाई जेड कंप्लेंट आ गई है, अब ये इन्फ्रिंजमेंट की हो या काउंटरफीट की हो या कोई भी हो सकती है, लेकिन कंप्लेन अलबत्ता आ गई। अब आपने क्या करना है? तो दो तरीके हैं, ये स्पेशली मॉडल मैं जो बात कर रहा हूँ वो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप होलसेल में कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास सीधा सीधा रास्ता है कि आप अपने सप्लायर के पास जाएंगे, होलसेलर के पास, और कहेंगे जी ये कंप्लेन आ गई है, इसका बताएं क्या करें। तो वो आपको बेसिकली लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वैसे भी दे देते हैं, इनवॉइसेस भी उनकी काम करती हैं, तो इसलिए मसला आपको इतना ज़्यादा उसमें नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा चांसेस है मसले के। अलबत्त जब ये आपके पास कंप्लेन आती है तो आपने करना क्या है? दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके से, गारंटी किसी तरीके से भी नहीं है लेकिन चांसेस बहुत हाई हैं कि इंशाल्लाह आपका मसला इससे हल हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये है कि अब दोनों में से कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आप ये पहले करें या वो पहले करें, जो भी आप चाहें पहले कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें भी एक चॉइस है जो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका यह है कि आप उस ब्रांड को देखें सबसे पहले, तो कि ब्रांड कितना बड़ा है, कितने बड़े से मुराद उसकी लिस्टिंग पे जाएं, जिस लिस्टिंग की कंप्लेन आई है उस लिस्टिंग पे जाएं, वहां देखें वो क्या वो ब्रांड खुद सेल कर रहा है या नहीं, पहली बात, ठीक है। अमेजोन सेल कर रहा है उसके अलावा या नहीं, ठीक है, वैसे अमेजोन के सेल करने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ब्रांड सेल कर रहा है खुद या नहीं भी कर रहा है, या कोई एक ही सेलर है जो कि सेल कर रहा है उस लिस्टिंग को, तो अब इसका मतलब पहली बात तो ये कोई प्राइवेट लेबल आइटम है, तो आपने जो गलती से या जैसे भी फॉर व्हाटएवर रीज़न आपने लैक ऑफ नॉलेज से उसको वो कर दिया है, अब आप इसको ये करेंगे कि वो ब्रांड को इसमें फिर आपको मेरा जो दूसरा तरीका है वही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहला तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पहले तरीके में हम, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं कि हम अगर बड़ा ब्रांड है, लेट सपोज के बड़े नहीं यानी कि जो मीडियम लेवल के जो ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर और भी दूसरे सेलर सेल कर रहे हैं, अगर काफ़ी सारे सेलर्स लगे हुए हैं, तो उस ब्रांड की वेबसाइट फाइंड आउट करें, उस वेब ब्रांड की गूगल से वेबसाइट फाइंड आउट करने के बाद ये फाइंड आउट करें कि जी आपने उससे होलसेल अकाउंट कैसे बनवाना है। सबसे पहली कोशिश आपने ये करनी होती है कि आपने होलसेल अकाउंट उनसे बनवाना होता है। होलसेल अकाउंट अगर आपको बन जाता है तो फिर तो आपके सारे मसले हल हो जाते हैं, तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जब होलसेल अकाउंट के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हैं या उनसे बात करते हैं, चाहे आप ईमेल से करें चाहे फ़ोन से करें, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि उस वक्त अपनी कंप्लेंट का कोई जिक्र ना करें, ऐसे ही नॉर्मल जाएं और अकाउंट जो है वो बनाने की कोशिश करें, अमेजोन का भी कोई जिक्र ना करें। आपका अगर होलसेल अकाउंट ओपन हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेप होगा जब आप कंप्लेंट को रिट्रैक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपने होलसेल अकाउंट जो है वो अपना बनवाना है। जब बन जाता है नॉर्मली वो आपको कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर देते हैं, नॉर्मली होलसेलर्स का तरीका यही होता है, वो कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर देते हैं या अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर देते हैं आपके अकाउंट के साथ, तो वही बंदा आपको बेसिकली हेल्प करेगा इसको कंप्लेन को रिट्रैक कराने में। आप थोड़ी सी डिस्कशन उससे करें, वैसे ही जनरल कुछ आइटम्स के रेट्स ले लें, कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स निकालने की कोशिश करें, उसके बाद रैंडम कुछ डिस्कशन हो जाए, उसके बाद उसे कहें कि जी एक हमारी एक आइटम के ऊपर जो है वो आपका एक कंप्लेन आपकी आई भी है, तो आप काइंडली इसको रिट्रैक करा दें और उस बंदे का नाम और ईमेल एड्रेस इसको देते हैं। कौन से बंदे का? जो अमेजोन ने आपको दिया है कि जी ये ब्रांड ओनर है और इसने जो है वो कंप्लेन डाली, तो उसका नाम और ईमेल एड्रेस इस बंदे को दें अपने अकाउंट रैप को, और उससे कहें कि यार इस बंदे से कॉन्टैक्ट करो और इससे कहो जी कंप्लेन रिट्रैक करें। नॉर्मली इस तरह मसला हल हो जाता है। बेसिकली मेक श्योर आपने ये करना है कि आपका जो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे थोड़ा फ्रेंडली है। अब बिल्कुल ही एक बंदा नया हो और आप उससे हेलो हाय करें और उसको डायरेक्ट अपना काम बता दें, यार ये कंप्लेंट रिट्रैक्ट कराओ, तो कोई भी नहीं करेगा ना आपकी हेल्प। ये तो जनरल एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो थोड़ा सा उससे फ्रेंडली होने की कोशिश हमें करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी मोहब्बतें बढ़ानी है उससे, उसके बाद जो है हम उसको लेकर आते हैं अपने असल मुद्दे पर। तो ये तरीका काम करने का इस तरीके से ही होता है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडशिप फ्रेंडली काम हमें करना चाहिए हर किसी के साथ। अच्छा, दूसरी बात कि अगर अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, ये दूसरा तरीका किस वक्त काम आएगा कि आपने ये देखा कि उस ब्रांड वो ब्रांड पे एक ही सेलर बैठा है या अमेजोन सिर्फ सेल कर रहा है, या वो ब्रांड बहुत बड़ा नहीं है, या आप उस ब्रांड को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, उसके होलसेल नहीं बना पा रहे, ठीक है, होलसेल या तो ब्रांड मिल भी गया, होलसेल अकाउंट नहीं बन रहा आपका,
ठीक है, अब बात खत्म हो गई यहाँ पे, वो पहला तरीका वहां से खत्म हो चुका। अब आप आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीके पे आप क्या करेंगे कि जो अमेजोन ने कंप्लेन के अंदर ईमेल आईडी और बंदे का नाम दिया है, आप उससे डायरेक्ट रब्ता करेंगे। आप उससे डायरेक्ट रब्ता करके एक पोलाइटली बहुत माजरत या आजिज़ाना, जैसे हम कहते हैं कि आजिज़ाना अंदाज में आप उससे बात करते हैं कि जी ऐसा ऐसा हो गया, आई अपोलोजाइज, आई सिंसियरली अपोलोजाइज और मैं मेक श्योर करूंगा और आई प्रॉमिस यू कि हम आइंदा जो है वो आपकी कोई ब्रांड की प्रोडक्ट आपकी परमिशन के बगैर लिस्ट या सेल नहीं करेंगे, अमेजोन तो क्या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे। तो इससे उस बंदे को बड़ी एक फीलिंग आती है कि अच्छा जी ये बड़ा वैल्यू दे रहा है मेरी ब्रांड को, मेरे बिजनेस को, मुझे। तो ऑल टुगेदर आप ऑफकोर्स ये वही वाली बात है, पाकिस्तान में कहते हैं सर पे बिठाने वाली बात, थोड़ा सा सर पे बिठाना पड़ेगा क्योंकि आप मसले में आ गए, इस वक्त आपको उस मसले से निकलना है, तो जाहिर सी बात है गधे को बाप बनाने वाली बात होती है। तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बहरहाल इस तरीके से आपने करना है। उसके लिए एक लेटर आप या तो खुद लिख लें या मैं एक टेम्पलेट दे देता हूँ, इसमें कोर्स की जो वीडियो है ये वाली उसके साथ ही अटैच करवा देता हूँ, उस टेम्पलेट को चाहे तो इस्तेमाल कर लें। वो कोशिश मैंने की है पोलाइटली आजिज़ाना एक लेटर लिखने की और मेरे लिए वो लेटर काम करता है। मैंने तकरीबन 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा जो कंप्लेंट्स पिछले 1-1.5 साल के अंदर आई हैं उसके अंदर मैंने वो लेटर यूज़ किया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा काम करता है। ठीक है, तो वो लेटर यूज़ कर लें। उसके अंदर वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडिट करनी पड़ेंगी, लाइक ASIN आपको डालना पड़ेगा, कंप्लेंट आईडी डालनी पड़ेगी, नाम डालना पड़ेगा, वो कुछ खुद डालें और वो भेज दें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपका जो है वहाँ से भी मसला आ जाएगा, हल हो जाएगा। वो ब्रांड ओनर जो है फिर वो बेसिकली एक दफ़ा वो कायल हो गया आपकी बात से तो वो रिट्रैक्शन रिक्वेस्ट जो है वो अमेज़ॉन को भेज देगा, खुद ही भेज देगा और आपका अमेज़ॉन जो है वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा। थैंक यू।